हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए सबसे बुरी खबर अभी निकल के आ रही है, ये छात्र बाहर हो जाएंगे आप, ठीक है। तो आवेदन निरस्त हो जाएंगे इनके, मैं बताऊंगा किनको किनके निरस्त हो जाएंगे। चयन आयोग से अभी अभी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले बात यह बता दूँ, जिसने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनावृत्ति प्रमाण पत्र नहीं, अगर जिसने नहीं लिया है तो उसका जो जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चयन से बाहर कर दिया जाएगा। अब जिस किसको किसको फ़ायदा मिलेगा, मेरिट कम जाएगी कि नहीं जाएगी, अभी मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको NOC के बारे में पता होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे ये बता दूँ, हालांकि चयन आयोग ने पहले ये सदर कर दिया था कि सबके पास आपका जैसे NOC होना चाहिए था, लेकिन अगर NOC नहीं है आप लोगों के, चयन आयोग से अभी अभी बड़ी खबर निकल के आ रही, तो वो छात्र निरस्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी आपको ये बात बता दें हम अभी कि देखो, अगर ये भी आप लोग, ये भी कि TGT PGT में अगर आप लोग मतलब कार्य कर रहे हैं, सरकारी मतलब कार्य कर रहे हैं उस टाइम भी, और ये वाला फॉर्म भी भर दिया है, तो आपने उन्हें तो भी आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है। फॉर्म भरते हुए अगर आपको पेमेंट भी ठीक ठाक मिल रही है, सामान्य पेमेंट मिलते हुए भी आपने अगर TGT ये वाला फॉर्म भर दिया है TGT PGT का, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चयन आयोग ने पहले ही बता दिया था कि NOC आपका होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपको ये बता दें, जैसे कि हालांकि यहाँ पर पूरा ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये आपको ये इम्पोर्टेंट बात और बता दें, ये भी आपको बता दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात NOC। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें, अगर आप कहीं अपने आसपास भी सरकारी कर्मचारी में नियुक्त हैं और उसके बाद में TGT PGT आवेदन से बाहर, चयन से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप मतलब कि आपने TGT PGT का फॉर्म भर भी दिया है, उसके साथ में आप सरकारी कर्मचारी में कार्य भी कर रहे हैं और तनख्वाह भी मिल रही है, आपको वेतन भी मिल रहा है, तो उसके बाद में क्या है, आपको TGT PGT में चयन नहीं किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और NOC अगर नहीं है तो चयन आयोग से ये खबर आके निकल तो आपको क्या किया जाएगा, आवेदन से निरस्त कर दिया जाएगा, आपको चयन नहीं लिया जाएगा। इसी मुद्दे में आपको खुशखबरी भी बता दे, फ़ायदेमंद भी बता दे, तो जो आपकी जो मेरिट है दोस्तों बहुत ही कम जाएगी। जिसने अभी पहली बार TGT PGT का फॉर्म भरा है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर पेपर आपके लिए अच्छा गया, इस बार आपका फॉर्म है जो इस बार मेरिट आपकी बहुत ही कम जाएगी, ठीक है। हालांकि मैंने फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बता दी थी, मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट आई नहीं थी, एक्सेप्टेड मेरिट लिस्ट बता दी थी, जाके वीडियो देख लेना प्ले लिस्ट से जाके, ठीक है। अब ये कि NOC अगर नहीं है तो चयन आयोग से ये खबर निकल के आ रही है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक अपडेट देनी थी, अब ये भी खबर निकल के आ रही है। तो ऐसे ही लेटेस्ट खबर आपको मेरे चैनल से मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो भाई। ये कि देखो, पहले ही हालांकि बहुत लोगों का बना हो सर ना बना हो, क्योंकि चयन आयोग ने पहले ये सतर्क कर दिया था कि NOC आपका होना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी, जैसे देखो आप लोग सरकारी नौकरी कहीं इस कर्मचारी में नियुक्त भी हैं, वेतन भी मिल रहा है और TGT PGT का फॉर्म भर दिया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, चयन में आपको नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, बल्कि ये बुरी खबर है। ये कि देखो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना।